Hello everyone, and I welcome you all again in a new video where I'm going to talk about mathematics of class 7th. So we'll be sharing this question paper and we'll be solving this paper. So without wasting time, let us move towards the completion of the paper. So first section will be multiple choice questions. As we all know now, each question carries one mark. Question 1 is the next number in the pattern. So the pattern is minus 62, फिर minus 37, then minus 12, फिर अगला नंबर क्या आएगा 25, 13, 0 या minus 12. तो आप ये देखिए, ये जो है इसमें minus 62 से minus 37 आया, फिर minus 12 आया. तो अब कोई पॉजिटिव नंबर आएगा और यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 25 का. तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे क्या करोगे, minus 12 plus 25, तो वो होगा आपका 13. So the correct option is actually B, 13. Second is, if 3 by 4 of a number is 12, what is the number? हम मानते हैं कि वो number जो है वो x है ना. तो अब question क्या है कि 3 by 4 of this number, यानी कि 3 by 4 x जो है वो किसके बराबर है, 12 के बराबर है. तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो जाके डिवाइड हो जाएगी, राइट. तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा और आपका x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी. तो आप 3 के टेबल से इसको बोल दो, 3 4 जार 12, 4 4 जार 16. सो द करेक्ट ऑप्शन इज हेयर 16. सी इज द मीडियन ऑफ द डाटा. मीडियन निकालने के लिए मिडिल वैल्यू होती है मीडियन. तो पहले आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा, अरेंजिंग सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में. तो 3 3, फिर 4 4, फिर 5 6 7, आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा. तो जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया इसको असेंडिंग ऑर्डर में, या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, दोनों दोनों केसेस में आंसर सेम ही आएगा. अब आप क्या करेंगे, मीडियन होता है मिडल वैल्यू. तो ये 3 इधर गए, 3 इधर गए, बीच में जो बचा दैट इज योर मीडियन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 4. द इक्वेशन हैविंग माइनस 3 एज अ सोल्यूशन इज. अब इनमें से किसका आंसर जो है, सोल्यूशन जो है माइनस 3 है, यानी एक्स की वैल्यू माइनस 3 रखेंगे. तो माइनस 3 और प्लस 3 जीरो हो जाएंगे, लेकिन ये 1 के बराबर नहीं है, तो ये वाला तो हमारा सही नहीं है. यहाँ पर अगर माइनस 3 रखेंगे तो ये माइनस 6 हो जाएगा. 8 में से माइनस 6 गए तो 3 बचा, नहीं ये भी नहीं हुआ. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक्स की जगह क्या रखा, माइनस 3. तो ये कितना हो गया, 2 3 जार 6, माइनस 6 हो गया. तो ये अगर माइनस 6 हो गया तो 8 में से माइनस 6 जाएंगे तो 2 बचते हैं, 3 नहीं बचते, तो ये गलत हो गया. अब यहाँ पर रखते हैं माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3 3 9, माइनस 9, 10 में से 9 गए तो 1. तो ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दोनों का सम जो है मिला के 180 डिग्री होना चाहिए. तो ये तो 100 से ऊपर नहीं गया, ये 120 डिग्री रह गया है ना, ये 181 डिग्री हो गया, 179 होगा. तो ये होना कितना चाहिए, 180. तो इसका मतलब है ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा डी, 75 और 105 मिलके 180 डिग्री हो गए. तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए. सिक्स्थ इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. जब भी कोई ट्राइंगल आप बनाएंगे तो इसमें किसी भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए. तो जैसे ये हो गया 3 और 4 7, 5 से बड़ा है. अब ये हो गया 2 और 4 6, और ये भी 6. तो इसका मतलब है ये है ही करेक्ट है, क्योंकि ये 6 जो है यहाँ पर 6 ये नहीं होना चाहिए था. इन दोनों का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए था, किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए. अ क्रिकेट बैट वॉज परचेज्ड फॉर ₹100 एंड वॉज सोल्ड फॉर ₹1600. प्रॉफिट कितना प्रॉफिट है. तो अगर आपको प्रॉफिट का परसेंट निकालना है तो आप क्या करो, प्रॉफिट परसेंट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप निकाल लो प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100. ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है. प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ उसको देखो, उसने 800 का खरीदा और 1600 का बेच दिया, तो 800 का प्रॉफिट हो गया उसको. तो आप यहाँ लिख दोगे प्रॉफिट जो है 800 का हुआ. और उसको जो कहते हैं, उसने खरीदा कितने में था, कॉस्ट प्राइस क्या थी, वो भी 800 है. तो 800 और मल्टीप्लाई बाई 100 आ गया. तो ये 800 से 800 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना परसेंटेज आ गया, 100%. तो ये हो गया 100%. वन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3 ऑफ अ नंबर गिव्स 1. अच्छा, पहले इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी. वन सब्ट्रैक्टेड, तो वन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3 ऑफ ए नंबर. तो वो नंबर हम एक्स मान लेते हैं, तो उसका 1/3 क्या हो जाएगा, उसका 1/3 हो जाएगा 1/3 ऑफ एक्स. इस तरह से लिख लो. ये क्या इक्वल टू आ रहा है, ये इक्वल टू आ रहा है 1. अब इसको कुछ लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, फिर ऐसे करते हैं. मेरा फंडा थोड़ा अलग है, मैं एलसीएम से तब तक बचता हूँ
जब तक कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना आ जाए। तो पहले ये जो -1 है इसको उठा के उधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास लेफ्ट साइड बचा सिर्फ 1/3x, और उधर जाकर क्या हो गया हमारा, 1 + 1 2 हो गया। तो अब ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 × 3 यानी कि 6। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ गए हैं, ये 2-2 मार्क्स के हैं पर है शॉर्ट ही। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हु सम इज -7। तो आपको एक पेयर लिखना है, दो दो इंटीजर्स लिखने हैं जिनका सम जो है वो -7 होना चाहिए। बहुत सारे हैं, करोड़ों नंबर हैं ऐसे जिनको आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर आपको इनका सम बताना है, तो आप ऐसे लिख दो -3 और उसी में प्लस कर दो -4। ये देखो, अब ये दो नेगेटिव नंबर है, इनका सम है और इनका सम जो है वो -7 के बराबर ही आएगा। डिफरेंस इज -10, मतलब -10 आंसर आना चाहिए, और जो हो क्या रहा है, डिफरेंस हो रहा है यानी माइनस हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करो, आप यहाँ पर लेकर ले लो एक नंबर 4, और इसमें से कितने माइनस करें कि 10 बचे, 14। और जो नंबर हम यहाँ 14 लिख रहे हैं वो नेगेटिव है, तो आंसर जो है वो भी नेगेटिव आ रहा है। मतलब अगर हमें यहाँ पर माइनस चाहिए तो हमें नंबर जो है यहाँ पर जो नंबर है वो बड़ा वाला वो नेगेटिव होना चाहिए। और में एक क्वेश्चन है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। अच्छा, पहली बात तो ये कि दोनों ही जो नंबर है वो नेगेटिव होने चाहिए। तो ये रहा पहला नंबर, ये रहा दूसरा नंबर, ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए, और इनका डिफरेंस यानी इनको माइनस करने पर आंसर जो आना चाहिए वो +8 आना चाहिए। अब देखो यहाँ आंसर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि ये देखो, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस होगा, तो ये वाला नंबर बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए। तो अगर आप जैसे इसको यहाँ पर लिख देंगे -2, ठीक है, अगर आप -2 हैं तो 8 बनाने के लिए आप इसको यहाँ पर -10 लिख दीजिए। तो जब आप -2 और -10 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये एक्चुअल में बन जाएगा -2 + 10, -(-) हो जाएगा, और इसका आंसर क्या होगा, 8 आएगा। आगे बढ़ते हैं, बी क्या है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हु सम इज -5। मतलब हमें एक नेगेटिव इंटीजर लिखना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, एक नेगेटिव लिखना है, एक पॉजिटिव लिखना है, और इन दोनों का सम जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, वो आना चाहिए -5 के बराबर। तो इसका मतलब ये है, अगर ये नेगेटिव नंबर है तो हमारा जो नेगेटिव वाला नंबर है वो बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर जो नंबर हम दोनों लिखेंगे इनमें ये वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, माइनस वाला, और प्लस वाला छोटा होना चाहिए। तो आप यहाँ पर लिख दो -9, तो 9 में से कितने जाएंगे कि 5 बचे 4, तो आप -9 + 4 ये जब आप सम करोगे तो आपका आंसर आएगा -5। ऐसे बहुत सारे नंबर है आपका, कोई भी आप ऐसे दो नंबर लेके और इसको बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते, 10th क्वेश्चन, अ कार रन 16 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर में 16 किलोमीटर चल रही है, हमें बताना है 2 3/4 में कितना चलेगी। तो 2 किलोमीटर में तो सीधी सीधी निकल गई, अगर 1 लीटर में 16 किलोमीटर चल रही है तो 2 लीटर में 16 × 2 32 किलोमीटर हो गई। अब हमें इसका निकालना है ना, चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। हमें पता है कि 1 लीटर का मतलब हो गया, 1 लीटर का मतलब हो गया 16 किलोमीटर। अब इसको सॉल्व इसलिए करना है क्योंकि ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो हम डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते, वरना मैं वो बताता। तो 2 3/4 को पहले हम क्या, ये एक मिक्स नंबर है, इस मिक्स नंबर को आप जो है बदल लीजिए किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो वो कैसे बदलेगा, जैसे यहाँ पे है 2 3/4, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 8 और 3 11/4 हो गया ये नंबर। आई एम श्योर आपको ये आता होगा, 11/4 है ना। तो अब 11/4, 1 लीटर में अगर 16 किलोमीटर जा रहे हैं तो 11/4 किलोमीटर में कितना जाएगा, 11/4 × 16। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 1 = 4, 4 4 = 16, और 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 44 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये है कि जो गाड़ी है वो 44 किलोमीटर चलेगी 2 3/4 लीटर में। आगे बढ़ते हैं, 11th क्वेश्चन क्या है, 2 टाइम्स अ नंबर। तो नंबर हम मान लेते हैं x, ठीक है, सबसे ज़्यादा माने जाने वाली चीज़ x ही है। ओके, तो 2 टाइम्स अ नंबर, 2 टाइम्स अ नंबर मतलब डबल करेंगे, 2x करेंगे, increased by 5, increased by 5 का मतलब है उसमें ऐड करेंगे 5। तो ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है 9। हमें नंबर निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले ये जो +5 है उधर जाके -5, तो ये 2x किसके बराबर हो गया, ये कह सकते हैं, तो ये 2x किसके बराबर हो गया, ये 2x बराबर हो गया 9 - 5 = 4। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, x की वैल्यू हो जाएगी
ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4/2 विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। तो 12th क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ये डायग्राम वाले क्वेश्चन है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है हमको। ओके, तो पहले आप देखिए वाई निकालते हैं हम। तो आप ये देखिए, ये एक स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो ये कितना हो गया, 120। तो अगर ये 120 हो गया तो वाई कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ये आ गया 60 डिग्री, हम यहाँ निकाल देंगे, लिख देंगे। अब फिर हमें पता है ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एंगल सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 50 है, ये 60 है, दोनों मिलकर कितने हो गए, 110। तो फिर 110, 180 में से 110 माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। तो आई होप आप इसको कर लोगे, लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, इसका सॉल्यूशन निकाल लोगे आप। रीज़न लिखना मत भूलना, रीज़न मैंने बता दिया है यहाँ पर ये 60 डिग्री क्यों आया है, क्योंकि ये या तो आप इसको लीनियर पेयर बोल दीजिए या स्ट्रेट एंगल बोल दीजिए, जो भी चाहे वो बोल दीजिए, दोनों ही सही है। और जब आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तब आप लिखेंगे एक्स प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की। तो आइए आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ गए 3-3 मार्क्स वाले। इसमें फर्स्ट है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, मतलब वो नीचे की तरफ जा रहा है 6 मिनट पर मिनट, सॉरी 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर अंदर की तरफ जो है वो ज़मीन में धस रहा है। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। ओके, इस क्वेश्चन को यहाँ से ऐसे समझते हैं, सपोज कीजिए ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ से वो जो है स्टार्ट होता है, ये 10 मीटर है अबव द ग्राउंड लेवल, यहाँ से वो स्टार्ट होके और नीचे तक जा रहा है, और यहाँ टोटल जो है ये है -350 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल डिस्टेंस है, देखो 350 मीटर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 10 मीटर ऊपर है, तो टोटल कितना हो गया, 360 मीटर। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 360 मीटर। और हमें पता है 1 मिनट में वो कितना अंदर की तरफ जो है डिसेंड हो रहा है, वो हो रहा है 6 मीटर। तो वहाँ से हम इसका निकालेंगे, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टाइम। तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, आप इस तरीके से कभी अगर फॉर्मूला भूल जाएं तो इस तरीके से एक ट्राइंगल बना के और ऐसे लिख लेना, और यहाँ डी एस और टी लिख लो। अब आप बोलोगे सर ये भी तो भूल सकते हैं, हम एस कहाँ लिखना है, डी कहाँ लिखना है। तो भाई अल्फाबेट्स में जो सबसे पहले आता है, ए बी सी डी आ गया तो डी लिख दिया, फिर उसके बाद पी के ओ आर एस आया तो एस लिख दिया, सबसे एंड में टी आया तो टी लिख दिया, आप तो नहीं भूलोगे। तो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, जब आपको डिस्टेंस निकालना हो तब तो आप लिखोगे स्पीड इंटू टाइम, जब आपको स्पीड निकालनी हो तो आप लिखोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, जब आपको टाइम निकालना हो तो आप लिखोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर आपको टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम निकलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हो गया हमारा 10 मीटर ये, और -350 यानी कि टोटल जो हो गया वो हो गया 360 मीटर, ये हो गया जी आपका 360 मीटर। और जो स्पीड है वो है हमारी 6 मीटर पर मिनट, यानी कि 6 मीटर पर मिनट में। तो इसको आप जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आंसर, ये आएगा आपका आंसर 60 मिनट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक जाने में उसको 60 मिनट यानी कि 1 आवर लगेगा। ओके, 14th क्वेश्चन इज, ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है, बराबर होती है। तो हर एक साइड 2.5 सेंटीमीटर है और उसका पेरीमीटर जो है वो 12.5 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड्स का सम। तो हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव, आइए पहले थोड़ा सा इसको क्लीन अप करते हैं, उसके बाद फिर आपको इसका सोल्यूशन बता। चलिए, तो हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है यहाँ पर जो पेरीमीटर हमें गिवन है वो है 12.5 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अब जो है वो हमसे पूछ रहा है कि अगर एक साइड जो है वो 2.5 है तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकलेंगी। नंबर ऑफ साइड्स निकालने का फॉर्मूला सीधा सा है कि आप पेरीमीटर को डिवाइड कर दो एक साइड की लेंथ से, यानी कि आप 12.5 को डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, 2.5 से। अब मैंने इसको इस तरीके से क्यों लिखा है, मैंने इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, उसके पीछे एक छोटा सा कारण है। देखिए, अब मैं क्या करूंगा, 12.5 को मैं बदल दूंगा फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 125/10। आई होप ये सबको आता होगा कि कैसे हम जो है एक डेसिमल को हटा के पॉइंट लगा देते हैं और वन लगा देते हैं और फिर राइट। अब डिवाइडेड की जगह तो डिवाइडेड ही रख लेते हैं अभी, तो
अब मैं क्या करूँगा, 2.5 को भी बदल दूंगा, तो ये हो जाएगा 25/10। अब आप क्या करोगे, इस डिवाइड को आप बदल दो मल्टीप्लाई में। तो जब ये डिवाइड बदलेगा मल्टीप्लाई में, तो ये नंबर भी उल्टा हो जाएगा। ये आपको पता है कि अगर हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में या मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन में बदलते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर होता है वो उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो अब हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं 125/10, जो कि हमने लिख रखा है एज इट इज, उसको वैसे ही लिखेंगे, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे और 10/25 लिख देंगे। तो अब इससे क्या फ़ायदा हुआ सर, इससे करने का फ़ायदा ये हुआ, ये 10 से 10 गया, डेसिमल ख़त्म, और 25 को टेबल पढ़ेंगे, 25 ones are 25 और 25 fives are 125। तो फिर आपका यहाँ पर आ गया कि जो सम जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो है 5। तो इसका मतलब ये है कि ये एक पेंटागन है। 15th क्वेश्चन है, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 3/4 आवर्स एवरी डे, शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डेज, हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाई हर टू रीड द बुक। तो देखो, वो हर रोज 1 3/4 आवर पढ़ रही है और 6 दिन तक पढ़ रही है, तो टोटल टाइम कितना हो गया। हम क्या करेंगे, एक दिन का टाइम उसको 6 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ आवर्स रेड इन 1 डे वो कितना हो गया, 1 3/4, जिसका मतलब हो गया 4 1 4 और +3 7/4 आवर्स। तो एक दिन में इतना है, 6 डेज में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 6। तो ये 2 से जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, तो ये कितना आ गया, 7 3 21/2। 21/2 का मतलब कितना हो गया, कितने घंटे हो गए, 10.5 आवर्स। तो वो कितना घंटे लगाएगी पढ़ने के लिए, वो लगाएगी 10.5 आवर्स। उसके बाद 16th क्वेश्चन है, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या है, 2 सब्ट्रैक्टेड, तो 2 सब्ट्रैक्ट हो गया फ्रॉम वाई, ये हो गया वाई से सब्ट्रैक्ट, इज 8 इज इक्वल्स टू 8। तो ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। दूसरी क्वेश्चन है, द नंबर बी डिवाइडेड बाई 5, तो नंबर बी इज डिवाइडेड बाई 5 गिव्स, गिव्स का मतलब हो गया इज इक्वल टू 6। ये होगी दूसरी इक्वेशन। थर्ड है, इफ यू टेक अवे, टेक अवे का मतलब होता है माइनस, टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, 6 टाइम्स y का मतलब क्या हो गया, 6 y, यू गेट 60। तो ये हो गई आपकी तीसरी इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स मार्बल्स परमित हैज। तो हम सोचेंगे परमित के पास जो है एक्स है, अगर परमित के पास एक्स है तो इसका 5 टाइम्स क्या हो गया, 5x, और इससे ज्यादा है 7 इरफान के पास, तो इससे ज्यादा इरफान के पास है 7। तो इसका मतलब इक्वेशन ये हो गई 5x+7, इरफान हैज 37 मार्बल्स। तो इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन बन रही है ये किसके बराबर है, 37 की। तो अब हमें परमीत के पास बतानी है, यानी कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये 7 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 37 में से 7 गए तो कितने बचे, 30। तो इसका मतलब है इक्वेशन हमारी बच गई अब 5x इज इक्वल्स टू 30, ये ऐसे लिख दिया, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6। तो इसका मतलब ये है कि परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं, 6। नेक्स्ट क्या है, 17th, इन द एडजॉइनिंग फिगर द नेम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स हमें बताने हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी फिगर ये थोड़ी क्या डिफॉर्म हो गई है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट बी है, ये ओ है, ये पॉइंट ई है, और ये पॉइंट ए है। अब हमें नाम बताना है कुछ, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट होने चाहिए और ऑब्ट्यूज होने चाहिए। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा एक्स से बनता है, ये देखो एक ये है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, और इसका अपोजिट जो है वो ये है। तो आप देखो ये जो है एक्स की वजह से बन रहा है यहाँ पर, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इनके नाम हमें देने, तो आप बोल सकते हो, सपोज करते हैं इस पॉइंट को हम कोई नाम दे देते हैं, से पी पी नाम दे देते हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा बी पी डी, है ना, बी पी डी और ए पी ओ, बी पी डी और ए पी ओ, ये वाले जो एंगल्स हैं ये ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, तो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल तो सिर्फ लीनियर पेयर के केस में होता है, तो ये शायद ये मानकर चल रहा है कि ये जो लाइन है ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है इस तरह से। तो आपका ये एंगल ई पी ओ और ई पी डी, ये दोनों एंगल जो है ये आपके इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं। एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर,
कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स बताने हैं जो लीनियर पेयर ना बना रहे हो, यानी कि 180 डिग्री ना बना रहे हो और एडजेसेंट एंगल्स हो। तो कोई भी दो एंगल आप ले लो, जैसे आप ये ले लो APE और EPO, ये दोनों एंगल भी एडजेसेंट एंगल्स हैं और ये लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। 18th क्वेश्चन है, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर 13,500 में उसने बेची है। शी लूजेज 20% इन द बार्गेन और लॉस हुआ है कितना, 20% का। वॉट वॉज द प्राइस एट विच शी बॉट। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि जो सेलिंग प्राइस है वो इसने दे रखी है 13,500 रुपीज़, और हमें ये भी पता है कि उसमें जो उसको लॉस हुआ है वो लॉस हुआ है उसको कितने का, 20% का। यानी कि 20% का अगर लॉस हुआ है तो उसने जो बेची है वो बेची है उसने 80% पे। इसका मतलब हुआ कि वही सेलिंग प्राइस एक्चुअली जो है वो 80% है। किसका 80% है? कॉस्ट प्राइस का, यानी कि जितने उसने खरीदी थी उसका 80% में उसने उसको बेच दिया। अब हमारे पास SP की वैल्यू गिवन है, CP हमें निकालना है, तो ये CP इधर ही रह जाएगा। तो ये 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 80 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो रहा है। और SP की वैल्यू हमें पता है, SP कितना है, 13,500। तो बस आप इसकी जगह वैल्यूज रख दीजिए, तो ये 80 ऊपर आ जाएगा, ये जो 80 है ये चला जाएगा नीचे डिवाइड करने, और जो 100 है वो चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होकर। अब आप इसको कर लो सॉल्व। तो आप 20 के टेबल से इसको उड़ा सकते हो, नहीं उड़ाना है 20 के टेबल से, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब जो है आप 2 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर आप क्या कीजिए, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे आप 135,00 को 5 से, तो आपका आएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 67,500। और फिर आप इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, आप इसको डिवाइड कर दीजिए 4 से, 16875 रुपीज़, यही आपको निकालना। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको एक बार ग्राफ दिया है, पहले इस बार ग्राफ को ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पर मार्क्स है 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, इस तरीके से यहाँ दिए हुए हैं। और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे, इफ 40 इज द पास मार्क देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव फेल। तो कितने फेल हो गए, ये 40 से कम वाले फेल हो गए, तो दैट मीन्स 4 स्टूडेंट्स हैव फेल्ड। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स फ्रॉम 60 to 69, 60 से 69 वाले कितने हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये 10 और 12 के बीच में, तो इसका मतलब है यहाँ पर आंसर आएगा 11। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड 90 मार्क्स एंड अबव, 90 और अबव वाले कितने हैं, ये देख लीजिए, 4। तो यहाँ पर भी आप लिख लेंगे 4। इफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मार्क्स अबव 80 आर गिवन मेरिट्स देन हाउ मेनी मेरिट होल्डर्स आर देयर। तो बेसिकली वो बस ये जानना चाहता है 80 से अबव कितने हैं। तो 80 से अबव ये है और ये है, तो ये तो हमें पता है कि 4 हैं, ये कितने हैं, ये 6 हैं। तो इसका मतलब है 6 + 4, 10 लोग हैं जिनके 80 से ज़्यादा है। चलिए 20th क्वेश्चन देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ अ फ्लावर वेस वॉस इज 1200। तो CP हमें दिया हुआ है, CP है हमारा कितना 1200 और ₹1200। और नेक्स्ट है कि हमें निकालना है प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालनी है दोनों ही केसेस में। फर्स्ट है शॉपकीपर सेल्स इट एट अ लॉस, यहाँ पर फर्स्ट केस में हो रहा है लॉस, वो भी कितना हो रहा है 10%। तो पहले हम यहाँ से लॉस निकाल लेंगे, तो लॉस कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा 1200 का। तो 10% ऑफ 1200 कितना हो गया, ये हो जाएगा, आप देखोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया 120। ये क्या है हमारा, ये है लॉस। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप क्या करोगे कि कॉस्ट प्राइस में आप लॉस को माइनस कर दोगे। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारी, कॉस्ट प्राइस थी हमारी 1200, तो 1200 में से आप 120 को माइनस कर दो। तो जैसे ही आप 120 को माइनस करोगे, 1200 में से 120 माइनस किए तो कितना आया 1080। तो इसका मतलब है पहले केस में 1080 में इसको बेचा है। सेकेंड केस क्या है, सेल्स एट प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% का प्रॉफिट हुआ है। तो पहले आप प्रॉफिट निकाल लीजिए, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट है 10%, तो इसका मतलब है प्रॉफिट हो जाएगा 10% ऑफ 120, सेम वही चीज़। तो ये कितना हो जाएगा, 1200 का ही आ जाएगा, ये भी 120 ही आएगा, लेकिन ये प्रॉफिट है। और जब आप सेलिंग प्राइस निकालोगे तब आप सेलिंग प्राइस को निकालते वक्त कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देते हो। तो यहाँ पर आप ऐड करोगे इसको और ये हो जाएगा
1200 प्लस 120 यानी कि ये हो जाएगा 1320 यानी कि 1320 रुपये में इसको बेचा। आगे बढ़ेंगे तो बी क्या है, तो अब जो है इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ चॉक स्टिक। अगर कार्बन जो है वो 3 ग्राम है यहाँ पे, तो हमें टोटल जो वेट है चॉक स्टिक का वो निकालना है। अच्छा, अब हमें पता है कि कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन किस रेशियो में है, ये रेशियो है 10:3:12, ये है ना। अब इसमें से जो कार्बन है वो कितना ग्राम है, 3 ग्राम है, तो फिर इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कैल्शियम कितना ग्राम हो जाएगा, 10 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना ग्राम हो जाएगा, 12 ग्राम, तो टोटल वेट कितना हो गया जी, इनको प्लस कर लो तो ये टोटल वेट हो जाएगा आपका 25 ग्राम। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं। आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन है। अब सेक्शन ई में आ गए हम, सेक्शन ई जो है वो केस बेस्ड स्टडी है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको केस बेस्ड मिलेंगे। आइए पहले इस डबल बार ग्राफ को देखते हैं। एक बार ग्राफ स्काई ब्लू है, एक थोड़ा सा डार्क है ग्रे कलर में, तो ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, सी है, डी है, ई एफ और जी कंट्री है, और नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस है। द फॉलोइंग डबल बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स टेस्ट मैचेस रिजल्ट समरी फॉर क्रिकेट टीम ऑफ कंट्री एक्स अगेंस्ट डिफरेंट कंट्रीज। तो ये एक कंट्री का दूसरे से, तो ये जो स्काई ब्लू वाले हैं ये जीते हुए मैच हैं, और जो ये डार्क वाले हैं ये हारे हुए मैच। यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मैचेस वन एंड लॉस्ट इज हाइएस्ट फॉर विच कंट्री अगेंस्ट कंट्री एक्स। ओके, तो सबसे ज्यादा मैच जीतने और हारने के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें बताना है। जैसे यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 17 मैच का है, 17 मैचेस का। यहाँ पर जो है ये कितना है, ये 18 मैचेस का है, और ये 20 मैचेस का है। तो वो पूछ रहा है द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मैचेस वन एंड लॉस्ट इज हाईएस्ट, तो कौन सी कंट्री है, कंट्री जी। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कंट्री जी। सेकेंड इज नंबर ऑफ विन्स ऑफ कंट्री ई इज सेम एज नंबर ऑफ लॉसेज ऑफ विच कंट्री अगेंस्ट कंट्री एक्स। नंबर ऑफ विन्स ऑफ कंट्री ई, कंट्री ई की विन कितनी है, 3, ये किसी टीम के हारे हुए मैचेस के बराबर है, तो वो कौन सी टीम है वो आपको बताना है। तो वो है कंट्री एफ, क्योंकि इसके जो है ये मैचेस 3 ये बराबर हो। सी है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मैचेस वन एंड लॉस्ट इज लोवेस्ट फॉर विच कंट्री, डिफरेंस सबसे कम किस में है। तो मुझे तो यहाँ दिखाई दे रहा है कंट्री ई में, देखो यहाँ पर कितना डिफरेंस है, केवल 3 मैचेस का डिफरेंस है जीतने और हारने के बीच में, बाकी सब जगह ज़्यादा ज़्यादा है। तो यू विल राइट कंट्री ई हेयर। व्हाट इज द रेंज ऑफ विन, रेंज ऑफ विन, विन जो है वो ये वाला है ना, तो सबसे कम क्या है 3, और सबसे ज़्यादा विन क्या है 16, तो रेंज क्या हो गई 3 to 16, ये आपकी रेंज हो गई। आगे बढ़ेंगे, पैरेलल लाइंस, हमें पता है पैरेलल लाइंस क्या होती है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। नेम द ट्रांसवर्सल, अब ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पहले मैं इसको लिख देता हूँ फिर आपको समझ आता है। तो ये मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया है, ये है ट्रांसवर्सल टी, यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस हैं एम और एन, और ये एंगल्स के नाम मैंने लिख दिए। नेम द ट्रांसवर्सल इन द गिवन फिगर, तो ट्रांसवर्सल जो है उसका नाम है टी। इफ एम एंड एन आर पैरेलल, तो ये तो है पैरेलल। नेम द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 7, 7 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, तो वो होगा एंगल 6। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल 6 जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है 7 का। इफ एम एन इज पैरेलल, इफ एम इज पैरेलल टू एन, एंगल 8 जो है वो 130 है, ये वाला एंगल जो है वो 130 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4, तो 4 की भी वैल्यू वही होगी, क्यों, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इसका मतलब ये है कि एंगल 4 जो है वो भी होगा 130 डिग्री। नेक्स्ट है व्हाट इज द सम ऑफ एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 और 5 यानी कि ये दोनों कौन है, ये हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और इनका सम हमेशा होता है 180 डिग्रीज। फाइंड द पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, 3 और 6, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, एक पेयर, और दूसरा है 4 और 5, तो ये दोनों, ये 5 और ये 4, ये दोनों ये ऑल्टरनेट हैं, और एक ये 3 और 6, ये ऑल्टरनेट है। इसी के बाद पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो 8 और 1 ये एक्सटीरियर है ऑल्टरनेट एंगल्स, और इसके अलावा 2 और 7 ये भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है।
लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ ट्री इज ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर, यानी कि ये जो हाइट है ये गिवन है 5 मीटर। आइए आगे बढ़ें। और फ्रॉम द ग्राउंड एंड टचेज द ग्राउंड एट 12 मीटर अवे। अच्छा, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस दे रखा है ये दे रखा है 12 मीटर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक ट्राइंगल सा बन रहा है, राइट? और ये ट्राइंगल कौन सा बनेगा बताओ? ये बनेगा राइट एंगल द ट्राइंगल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वट काइंड ऑफ ट्राइंगल इज फॉर्म? लो जी बता दिया हमने, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। फाइंड द हाइपोटन्यूज, तो हाइपोटन्यूज कैसे निकलती है हमें पता है, हमें यहाँ पर थ्योरम लगानी पड़ेगी। थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटन्यूज स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहा हूँ मैं, हाइपोटन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेस हमें पता है कितना है, 5, तो हम निकाल लेंगे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और परपेंडिकुलर कितना है, 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 12 144, तो इन दोनों को प्लस कर लो ये आ जाएगा 169। तो हाइपोटेन्यूज किसके हिसाब से निकलेगा, हाइपोटेन्यूज निकलेगा आपका अंडर रूट 9, अंडर रूट 169। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है 13 के बराबर। तो आपका ये जो है हाइपोटेन्यूज ये आ गया आपका 13। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, ओरिजिनल कितने, ये 5 ये और 13 ये, इसको सीधा खड़ा कर देंगे ऐसे, तो टोटल हाइट हो गई आपकी 18 मीटर। व्हाट इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल, बेस जो है वो 12 मीटर है। और व्हाट इज द परपेंडिकुलर ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का परपेंडिकुलर जो है वो 5 मीटर। तो इसी के साथ आपका पेपर जो है यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो, कुछ अगर समझ में से रह गया हो तो आप मुझे बताइएगा, हम उसको फिर से डिस्कस जरूर करेंगे। और अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो।